अभी ड्रैगन प्लेस में एंट्री कर चुके हैं और मैं ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए, आगे आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताऊँगा। तो अभी हम ड्रैगन प्लेस के सामने हैं, अभी हम जाने वाले हैं नागपुर के ड्रैगन प्लेस में। ओके, देखिए मेरे सामने है ड्रैगन प्लेस, अभी अंदर जाएंगे हम। ये है, देख सकते हैं सामने से ड्रैगन प्लेस। तो अंदर जाने के लिए पहले आपका जो बोलते हैं चप्पल या शू यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये सर मोबाइल लेना अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से आपको दिखाता हूँ व्यू क्या है टेंपल का। ओके, आइए देख सकते हैं यहाँ के गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापन किए हुए। यहाँ के जो अध्यक्ष है सुलेखा ताई कुमारे, उन्होंने इसको मंगवाए थे और इसमें ये जापान की है, जापान की बहुत बड़ा ड्रैगन प्लेस है और सामने में ऐसा लिखा हुआ रहता है नमो म्यो हो रेंगें क्यों, ये वो सामने में है। यहाँ का वर्धापन दिवस जो होता है वो कार्तिक पूर्णिमा में होता है, हर कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन इसका शुरुआत किया गया था और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये तो अशोका विजयादशमी में लोग बहुत भीड़ से यहाँ सब आते हैं और यहाँ का याद करते हुए कितने शांत वातावरण, यहाँ का नज़ारा अगर देखना है तो रात को आप आएंगे तो ये फुब्बारे जो है वो देखने लायक है, बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर में जो है इसका ये चोटी है शिखर पर, आपको लाइटिंग दिखाई पड़ेगा। इस ड्रैगन प्लेस टेम्पल को नागपुर के लोटस टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। इस टेंपल की स्थापना 99 में जापान के एक सोसाइटी ने की थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की इस मूर्ति को चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। ये मूर्ति लगभग 864 केजी का है। मेरे सामने देख सकते हैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल पार्क बनाए हैं, यहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से आ रहे हैं बस टेम्पल को देखने के लिए। और वीडियो एक्चुअली अंदर जाना मना है तो हम बाहर से वीडियो बना रहे हैं। यहाँ जब मैं आया बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब मन बहुत साफ लग रहा है, बहुत शांति लग रहा है। तो अभी हम पहुंचे हैं बाबा साहेब के एक भवन में और यहाँ पे बाबा साहेब का बहुत बड़ा एक स्टैचू बनाया हुआ है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। सामने से देख सकते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्टैचू बनाए हुए हैं।